भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है। लगातार लोग यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर, देखिए कैसे मोदी भक्त नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जयकारे लगा रहे हैं, झंडा ध्वजा लेकर लोग कह रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो मोदी जी की गारंटी कर रहा हूँ, मोदी जी ने गारंटी दी थी, उनकी गारंटी एकदम पक्की है। पक्की गारंटी, गारंटी तो कांग्रेस वाले भी दे रहे थे। कांग्रेस वालों तो का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, केवल तेलंगाना में जो थोड़ा बहुत उनको एक राहत की सांस मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मोदी जी के अलावा 24 में कोई आने वाला नहीं है। इन लोगों ने जो इंडिया बनाया है, इंडिया का नया नाम दे करके भारत ने इनको जो है इंडिया का सुपड़ा साफ कर दिया है। मैं सुबह से देख रहा हूं आपको यहां पर उत्साहित, बहुत ही उत्साहित है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हम तो हिमाचल बिलासपुर से हैं, माननीय नड्डा जी के गाँव से, हमें बहुत ही खुशी की बात है कि संसार की सबसे बड़ी पार्टी की आज जीत हुई है। कोई यूपी से, कोई हिमाचल से, कोई अलग से, यहाँ जो भी दिल्ली में आया, इस समय भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपने आप को उत्साहित अपने आप को जोड़ रहा है और नरेंद्र मोदी की गारंटी को ही इस पूरे चुनाव का क्रेडिट दिया जा रहा है। किरण निखिल के साथ नीरज पांडे, विप न्यूज, दिल्ली। तो ये बीजेपी के मुख्यालय की तस्वीरें, जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और मिठाई बांटी जा रही है। इस बीच खबर आ रही है टोंक से, राजस्थान के टोंक, जहां पर सचिन पायलट ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। लगभग 30,000 वोटों का ये अंतर रहा, लेकिन अंतर कलह ज्यादा भारी पड़ गई। अब ये जीत, इसके मायने क्या रह जाते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब इसके सीधे बाद 2024 की भी लड़ाई है। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक सबक भी है, बीजेपी पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्या राखी, क्योंकि अब डबल इंजन सरकार है दोनों जगह, इन तीनों राज्यों में। लेकिन अगर सचिन पायलट की तरफ से कहूं तो काश शब्द मुझे याद आता है, इस समय जीत गए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि यह अंतरकला ना होता, वो दूसरी स्थिति ऑप्शन की तरफ देखें तो क्या होता, और बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है पूरे चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इस पे कोशिश की गई, आप और हम भी जानते हैं, मीटिंग भी हुई, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों उसको पाट नहीं पाए, किस तरह से मैनेज कर सकते, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मैनेजमेंट का भी एक उदाहरण है, किस तरह की रणनीति स्ट्रैटेजी बनाई गई, चाहे तीनों ही राज्यों में आते हैं। इसमें महत्वाकांक्षाएं भी जो कुलाचे मारती हैं कि भाई सचिन पायलट युवा हैं, 40s में वो सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी हो गए, राज्य मंत्री सही, फिर उप मुख्यमंत्री भी हो गए, तो मतलब कितना कुछ पालोगे। और अशोक गहलोत दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। ये कहना कि मैं पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे याद है इसमें एक चीज आप फिर हम देखेंगे, और ये कहना कि अशोक गहलोत जीत चुनाव लड़ रहा है 199 की या 200 की, 200 सीटों पर। दूसरी तरफ आप देखिए अनुभव और कहीं ना कहीं मोदी जी का, कि उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, और यहाँ पे उन्होंने एक नया ढांचा तैयार किया एक तरह से, और उस पर हिट किया जहाँ वो जानते थे कि सबसे ज्यादा जरूरत है। ये क्लेवर प्लॉय भी है, देखिए ये जातिगत जनगणना, भाई जब तक हिंदू बनकर आप वोट दोगे तो बीजेपी को फायदा, जात पात के नाम पर वोट दोगे वो बीजेपी समझती है, इसलिए वो जाति का उन्होंने नई जाति कर दी कि गरीब सबसे बड़ी जाति, और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा जरिया गरीब कल्याण। बिल्कुल, और इस तरह की तमाम कल्याण योजनाएं भी, चाहे वो मुफ्त गरीब कल्याण योजना है, तमाम तरह की योजना है जो भंडार पड़ा हुआ है, मुझे लगता है इसको भी पढ़ने, सबको समझने की अब जरूरत होगी कि कितना कारगर है, और 24 में क्या यही स्ट्रैटेजी काम आएगी या कुछ और नया फिर तब तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अभी मैंने, चाहे अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी, वो सब, ये देखिए हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, ये तो देखिए एक क्लेवर प्लॉय है, जैसे रेवड़ी हम नहीं बांटते, फिस्कल प्रूडेंस और डिसिप्लिन की बात कर रही थी स्मृति ईरानी, आपने तमाम घोड़े तो खोल दिए, सारी रेवड़ी तो बांट दी, 2028 तक 5 किलो अनाज आप देंगे, और 400 रुपए में सिलेंडर, 450 में सिलेंडर, हाँ 400-450 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, धान आप 3200 रुपए में खरीद लेंगे छत्तीसगढ़ में, 2183 रुपए का रेट है। तो ये तो दरअसल बात क्या भरोसे पर आती है कि गारंटी तो अब दोनों तरफ से दी जा रही है,
भरोसा किस पर किया? इस बार तो बीजेपी पर किया, पर लोकसभा के लिए वो चुनौती बनी रहेगी क्या? देखिए, मैंने पिछली बार मैं डिबेट में था तब भी मैंने कहा था, मैं दूसरी जगह पर भी कहता हूँ, कोई एक चुनाव आने वाले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता, कोई सेमीफाइनल नहीं होता। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसका आपस में कोई मेल नहीं है। और लोकसभा चुनाव है तो उस समय तो मोदी के सामने कोई चेहरा है नहीं, और इस चुनावों ने ये तो साबित किया है कि कम से कम हिंदी बेल्ट में अगर राहुल गांधी को जिस प्रकार प्रोजेक्ट करने की योजना बना रहे थे, कांग्रेस ने क्यों नहीं इंडिया अलायंस के लोगों के साथ, दलों के साथ समझौता किया? वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि वे अपना अपर हैंड दिखाना चाहते थे। लेकिन